तो यार देखो, हम खड़े हैं अपने फोटो शूट के लिए रेडी कि अपनी कुछ फोटो भी ले लें, लेकिन ये बारिश जी रुकने का नाम ही नहीं है। बरसे जा रहे हैं मेघा, थोड़े से बादल देवता रुके हैं, तो जल्दी से काम करते हैं, खिंचवा लेते हैं दो चार जितने भी खींचेंगे जल्दी से, थोड़ी देर के लिए शांत हुए हैं। तो यार ट्राई करते हैं अब इधर फोटो लेने का, फिर देखते हैं जल्दी से। किधर गड्डी इधर जाना है, एक हो गया है पूरा, अब दूसरी की तरफ रुक करते हुए, बारिश कभी भी हो सकती है, तो उसी हिसाब से हो भी रही है। वैसे ड्रिजलिंग हो रही है धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी देखो बारिश ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए अब थोड़ा सा जा रहे हैं, रुक कर रहे हैं अपने रूम की तरफ। ये देखो अब माइक भीग सकता है, तो इसलिए छाते के अंदर ही करेंगे, और क्या करेंगे, है नीचे देख के आपके टीचर ना। सो वी आर रेडी फॉर आवर नेक्स्ट फोटो शूट। सो उसमें हम सेकेंड लोकेशन पे जा रहे हैं, बारिश रुकी हुई है, अब थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रखी है, तो अच्छी फोटो लाइटिंग में फोटो आ जाएगी। अब देखते हैं कहाँ खिंचवाते हैं, फिर बात ही बाकी बाद में। और हो गया अपना सेकेंड शूट भी कंप्लीट, और ये बहुत अच्छा कोहरे के बादल हैं, तो इसलिए जल्दी से थर्ड भी ले लेते हैं लाइटिंग में, जो अच्छा लगेगा। और यार फोटो शूट में पता नहीं लगा खाने का कि हमने खाना नहीं खाया, भूख लग रही है, तो इसलिए जल्दी से कुछ मंगवा लिया, वही जल्दी से आलू का पराठा और चाय, जल्दी से खा के क्योंकि दोबारा शूट करना है। चलो ठीक है करते हैं। मौसम हो चुका है बिल्कुल कोहरे वाला, और अपने अगले फोटो शूट के लिए जा रहे हैं, अब देखो कहाँ जाएंगे। और ये है हम माउंट आबू का रात का व्यू, हमारा हो चुका है फोटो शूट कम्प्लीट। सामने जो दिखाई दे रहा है आपको, जो बादलों में ढका हुआ है, वो है चर्च का क्रॉस, और नीचे है वो ट्रैफिक जहाँ पे गाड़ियों का शोर हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन हम हैं अपनी शांति वाली जगह। और ये रात का नज़ारा देखिए, लाइटिंग पूरी आबू में, चारों तरफ फॉग और लाइटिंग, और हम कर रहे हैं इन वादियों में मज़े, हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी, चारों तरफ फॉग है। और ये लिया है हमने कढ़ाई चिकन, क्वांटिटी तो इसके भी कम है यार, क्या कर सकते हैं। और ये है रोटी सैलेड, और अब खाते हैं डिनर, बहुत थक हुए हैं। फोटो ये देखो, ये डाला प्लेट में कढ़ाई चिकन, ये देखो देखो देखो, रोटी के नाम पे धोखा, ये देखो पूरी जितनी पूरी जितनी रोटी बहुत छोटी। लैग देख रहे हो आप कितना छोटा सा है, अब पता नहीं इन्होंने इसको हाफ करा है, या फिर यहाँ पे इतना ही लॉलीपॉप बना दिया है। लॉलीपॉप जैसा, या यहाँ पे इतना ही मिलता है। मुझे तो लगता है जैसे नीचे का अलग, तो वो पीस बन गए दो तीन। चलो अब जो भी है, बारिश पड़ रही है बाहर, इसलिए यहीं खाना पड़ रहा है, लेकिन कढ़ाई चिकन भी सेटिस्फैक्ट्री अच्छा है, मतलब खाने लायक है, अच्छा बनाया है। तो यार हमारे फादर साहब ने दिया था ये आम, और इसमें से एक बचा है जो अभी हम खा रहे हैं। यार बाहर का मौसम देखो आप, मतलब इतना तगड़ा हो रखा है ना, हवाएं तो ऐसे हैं जैसे, मतलब अभी हवाएं ऐसे चल रही हैं ना, मतलब भाई साहब ये देखो ये देखो, जन्नत, बहुत तेज हवाएं हैं। ये तो लगता है सो गया रिसेप्शन वाले, ये जितना वीडियो दिखा रही है ना, इतना अंधेरा, इतना रोशनी है नहीं, वो जागे हुए हैं। हवाएं देख रहे हो, सब पूरी वैली ऐसे हो गई है, वाइट हवा ही हवा, ओहो मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो लगता है रात को जाना भी यहाँ से कोहरे में, मतलब पूरा रास्ता वो ब्लॉक्ड होगा, पूरा रास्ता कोहरे से जा ही नहीं सकते। गानों की आवाज़ तो कहीं से आ रही है, कहीं पता नहीं डीजे गाने बज रहे हैं,